बेटी को नौकरी भी नहीं, न ट्यूशन हम रख सके, फिर भी हम बोले कि मेरी मजबूरी थी। बस लिख भी दिया, कैसे लेके आएंगे, उसका क्या था यहाँ लिखने का, दूसरे स्कूल में कोई लेगा भी नहीं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टैगोर सोसाइटी एकेडमी में मंगलवार को परिजनों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल मंगलवार को स्कूल का रिजल्ट निकला, जिसमें कक्षा पांचवी से लेकर आठवीं तक के करीब 125 बच्चे फेल हो गए, जिस पर स्कूल प्रबंधन ने सख्त निर्णय लेते हुए कक्षा आठ के 52 बच्चों को टीसी थमा दिया, जबकि छठी कक्षा के 4 बच्चों को टीसी थमाया। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा उनके बच्चों को प्रमोट किया जा सकता था, मगर स्कूल ने ऐसा न करके बच्चों को सीधे फेल कर दिया, जिससे बच्चों का पूरा साल बर्बाद हो गया। वो कैच कैच में एक तो जैसे है ना, वो दोनों बच्चा कंपटीशन किया था, वो ऐसे किया ना तो उसका कैच में हाथ नहीं कटा, ये ऐसे किया ना उसका कैच में हाथ कटा, ये परीक्षा के दो दिन पहले बैंडेज करके गया था, उसी में ये मतलब निकाल देगा सब बच्चा शरारती है। अब क्या नहीं सुनी पड़ती, ये दुकान भर गया, दूसरा दुकान जाओ, नहीं हो तो पुलिस को बुलाएंगे, ऐसे बोली। और ऐसा क्या लिखा है उसमें कि दूसरे स्कूल में भी एडमिशन लाएगी? क्या यहाँ पर हर डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू द एडमिशन रजिस्टर इस प्रमोशन हैज बीन रिफ्यूज्ड, लिख चुकी है पहले कि आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा, आगे बच्चा लोग क्या करेंगे, जब दूसरा स्कूल को भी दिखाएंगे तो लोग भी नहीं देगा। नाम क्या बच्चे का? पापा होमगार्ड में थे, बेटी को नौकरी भी नहीं, मैं ट्यूशन हम रख सके, फिर भी हम बोले कि मेरी मजबूरी थी, मेरे बच्चे नहीं पढ़ सके, आप लोग कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सुनना चाहती है, बोलिए मेरा ये काम संतुष्ट नहीं है। नाम क्या बच्चे का? अभिषेक सिन्हा, नर्सरी से पढ़ा थे, 2020 में मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ रोड एक्सीडेंट रामगढ़ में। इधर प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि वैसे बच्चों को टीसी दिया गया है जिनका एजुकेशन लेवल शून्य रहा, उन्हें हिंदी मीडियम में जाने की सलाह दी गई है। इन सभी बच्चों का साल भर स्कोर खराब रहा, उनके अभिभावकों को बार बार चेतावनी देने के बाद भी वे नहीं माने, जिस कारण प्रबंधन को सख्त निर्णय लेना पड़ा, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। टीसी दिए जिसका नंबर है 064 थ्रू आउट द ईयर, तो उसी को हम लोग दिए, इवन सजेशन दिए हैं क्या दूसरा बोर्ड में जाके पढ़े, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में उन लोग नहीं कर पा रहे, तो इसी चाहते हम लोग हिंदी मीडियम में जाके पढ़ के वो लोग पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके जिंदगी में, इसलिए हम ये सुविधा उन लोग के लिए कर दी। टीसी में हम एक बात भी नहीं लिखे क्या हम प्रमोशन नहीं दिए, क्या वो अच्छा नहीं है, बिहेवियर खराब है, कुछ भी नहीं लिखे, सिर्फ लिखे ट्रांसफर सर्टिफिकेट गिवे, तो ये देखे क्या वो फर्दर उनका पढ़ाई आगे बढ़ा सके, दूसरा बोर्ड में जाके एग्जाम दे सके और पढ़ाई आगे बढ़ा सके। इधर देखते ही देखते पूरा स्कूल परिसर रणभूमि में तब्दील हो गया। घंटों चले हंगामा के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच वार्ता हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि फेल हुए छात्रों के आखिरी 3 महीने के सिलेबस के आधार पर 2 माह बाद 5 विषयों की परीक्षा दोबारा ली जाएगी, पास करने वाले बच्चों को ही प्रमोट किया जाएगा, जिस पर परिजन शांत हुए। हमारी बात हो रही है, बड़े प्रबंधक का कहना है कि बच्चे बहुत वीक हैं, अगर बच्चे वीक हैं तो उसको पढ़ने का मौका कौन देगा, स्कूल प्रबंधक को ही देना चाहिए, तो हमारी यही मांग है स्कूल प्रबंधक से कि आप सभी बच्चों को एक बार पुनः फिर से मौका दें और गार्जियन से एक बार लिखवा लें कि हमारे बच्चे अच्छे करेंगे तो हम इसको स्कूल में पढ़ाएंगे। तो यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने कहा है कि हम अभी बात कर रहे हैं, बैठक करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि स्कूल प्रबंधक सभी बच्चों को एक बार फिर से मौका देगी। न्यूज विंग के लिए पूर्वी सिंहभूम से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year.